हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल आर गुड। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, ट्रायंगल्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने, कॉन्ग्रेंसी के बारे में पढ़ा कि कॉन्ग्रेंसी क्या रहता है, और एक एग्जाम पढ़ा था हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, साइड एंगल साइड एग्जाम। और जो लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल साइड एंगल जो क्राइटेरिया है इसको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वे में भी प्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। तो देखो बच्चों, मान लो दो ट्राइंगल है आपके पास में, ठीक है, मान लो एक ट्राइंगल ये है, अनदर ट्राइंगल ये है। से दिस इज पी क्यू आर एंड दिस ट्राइंगल इज ए बी सी। तो देखो बच्चों, ट्राइंगल्स में हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल डेफिनेटली इक्वल होगा। कि टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। मान लो जैसे ये दो ट्राइंगल है, एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल है और एंगल आर एंगल सी के इक्वल है, तो डेफिनेटली एंगल पी और एंगल ए इक्वल होंगे ट्राइंगल के अंदर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। कैसे? मान लो ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, तो इक्वल है ये। अब देखो इस एंगल के बारे में आप लोग क्या कह सकते हो, ये एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें पता है इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। मींस एक्स प्लस वाई प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल पी क्या आ जाएगा, 180 माइनस एक्स प्लस वाई। सिमिलरली यहां इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या, यहां भी सेम रहेगा कि एक्स प्लस वाई प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए आपका क्या आ जाएगा, 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो आप लोग देख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल पी की वैल्यू क्या मिली आपको, सेम मिली है जब एंगल क्यू आर रेस्पेक्टिवली बी और सी के इक्वल है। मीन्स थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये दोनों ट्राइंगल आपको गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, ठीक है, देन आप कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हैं, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये तो हमने कल पढ़ी लिया था। अब मान लो बाय चांस आपको ये साइड इक्वल ना देखकर वो ये कहते कि ये साइड 7 सेंटीमीटर और ये वाली भी साइड 7 सेंटीमीटर है, देन आप क्या कह सकते हो इस इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में कि दे आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। तो हमने कहा कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो दो इक्वल है तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल रहेगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वल रहा तो देखो हम ये दोनों पेयर कंसीडर कर लेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, साइड इनके बीच की मिल जाएगी, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब देखो हम क्वेश्चंस के अंदर इस एंगल को फाइंड आउट ना करके हम क्या देख लेंगे कि देखो ये एंगल, ये एंगल और ये साइड है, ये एंगल और ये साइड, यानी कि आपको दो एंगल इक्वल मिल जाए और एक साइड इक्वल मिल जाए, साइड क्या होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो भी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। इसको ऐसे पढ़ा जाता है एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, यानी कि दो एंगल और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। और जो एंगल साइड एंगल था ये क्या था, दो एंगल और उनके बीच की साइड, उनके बीच की साइड, और ये क्या डिमांड करता है, दो एंगल और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। और ये दोनों क्राइटेरिया एक्चुअल में क्या है, सेम ही है,
क्योंकि जिसमें ये लग जाएगा उसमें ये तो ऑटोमेटिक ही लग जाएगा, जिसमें ये लगेगा उसमें ऑटोमेटिक ये लग जाएगा, क्योंकि थर्ड एंगल हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये ध्यान रखना बच्चों एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया क्या है, सेम ही है, ठीक है। अब कई बच्चे साइड एंगल साइड को देख के कह देते हैं कि सर क्या साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया होता है, तो हमने कहा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एंगल साइड साइड कोई क्राइटेरिया है तो ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिस्कशन किया हमने एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया को कि हम एंगल एंगल साइड भी बोल सकते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 को। तो बच्चों एक्चुअल में जो ट्राइंगल चैप्टर है ये थोड़ा टिपिकल चैप्टर है आपका नाइन्थ के सिलेबस में, और ट्राइंगल जिसको अच्छे से आ जाता है मान लो उसको नाइन्थ का पूरा सिलेबस अच्छे से आ जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वीडियोस को अच्छे से पेशेंस के साथ कंसंट्रेशन के साथ देखें, ठीक है। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको पॉज करें, उसको खुद से समझने की कोशिश करें, ठीक है, दो बार देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स की अच्छा बिल्डअप हो जाए, ठीक है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को जब तक तुम आप लोग अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करोगे, अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं करोगे, तब तक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या करे, क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी, इसके अंदर ए सी और ए डी आपको इक्वल गिवन है, मीन्स ये दोनों साइड इक्वल है, और ए बी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। तो ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज के अंदर भी बार बार कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि फिगर में जो भी चीज़ें गिवन हो, ज्योमेट्री में मेन चीज़ होता है कि ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन तब आती है जब आप उसका एक रफ डायग्राम बना के उसके अंदर सारी चीज़ें लिख दें। अब जैसे ही इसने कहा ए सी और ए डी इक्वल, तो हमने इनको इक्वल शो कर दिया, ठीक है। अब ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो इसका मीनिंग क्या है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं कि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है ए को, लेकिन वो लिख नहीं पाते कि इसका मीनिंग क्या है। तो ए बी बाइसेक्ट्स ए का मीनिंग है कि ये जो ए बी ने दो पार्ट्स में एंगल ए को डिवाइड किया है, ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। मेजर कुछ भी हो सकता है, हमने मान लिया कि इन दोनों का मेजर क्या है, एक्स एक्स है। तो ये कह रहा है शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ए बी डी की ये ऊपर नीचे जो दो ट्राइंगल बनी हुई है ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और ये कह रहा है व्हाट अबाउट बी सी एंड बी डी। तो देखो बच्चों बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी हो उनको ले लो एक बार। इन दोनों ट्राइंगल में आप क्या कहेंगे कि जो ए सी है दैट इज इक्वल टू ए डी, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो ये वाली ट्राइंगल है, एक तो ऊपर वाली और एक ही नीचे वाली ट्राइंगल है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो ए बी साइड है वो तो ए बी सी में भी है और ए बी डी में भी है, यानी कि ए बी क्या है, दोनों में है। जो चीज़ दोनों में हो उसको क्या बोला जाता है, कॉमन साइड, मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, कॉमन साइड, शॉर्टकट में मैंने सी एस लिखा है, मीन्स कॉमन साइड। अब एक चीज़ और देखो, एंगल जो सी ए बी है, एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, दोनों एंगल इक्वल है, किसके इक्वल है, ये एक्स, ये भी आपको क्या है, गिवन है। तो बच्चों इन दोनों ट्राइंगल को देखो जरा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये कॉमन, तो ये भी इक्वल, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग जाएगा। तो आप कहेंगे बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू। लिखने का तरीका मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ तक लिखने में आप कुछ भी लिख सकते हो ऑर्डर, यहाँ ए बी सी लिखा, यहाँ सी ए बी लिख देते, लेकिन यहाँ जो लिखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। कि देखो जैसे एंगल ए है तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एंगल ए किसके इक्वल है, तो ए एंगल तो इस ट्राइंगल में ये वाला है खाली, और इसमें क्या है, ये वाला, तो ए ए के इक्वल है। बात करें बी की,
तो एंगल बी के बारे में हमें कुछ नहीं गिवन है, तो हम क्या देखते हैं बी के अपोजिट साइड से पूछते हैं। बी कहता है मेरे अपोजिट साइड को देखो, तो बी के अपोजिट साइड तो ए डी, और ए डी किसके इक्वल है ए सी के, ए सी के अपोजिट क्या है बी, यानी कि एंगल बी किसके इक्वल बी के, एक बच गया तो डी लिख दो। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रेंट, यही हमें प्रूव करना था कॉन्ग्रेंट। ये कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो यहां से देखो बच्चों बी सी को उठाया तो दो आपने लेटर्स को उठाया, तो यहां से भी दो को उठाएंगे, बी सी इज इक्वल टू सेम पोजिशन पे ये क्या है बी डी बाय सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो हमने क्या कहा बी सी और बी डी तो क्या है इक्वल है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो बच्चों ये ध्यान रखना है ज्योमेट्री के अंदर थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही फिगर में आपको दो तीन चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। यहां अब ये क्या कह रहा है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है क्वाड्रिलेटरल है, इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी मीन्स ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी, डी ए बी ये जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल है एंगल सी बी ए, इस पूरे एंगल के इक्वल है। देन ये कहता है प्रूव दैट इन ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ए सी दे आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट को देखने के लिए देखो नेम आपको बहुत कुछ बता जाता है, आपको इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो ए बी डी को देखो, ए बी डी तो ये वाली ट्राइंगल है, और बी ए सी, बी ए सी तो पहले तो फिगर में जाके आपको ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज है, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट ही किया है इसलिए मैं समझाने के लिए ना ए बी डी इनको ना अलग से बना लेता हूँ एक टाइम के लिए। ये देखो ये ए है, ये बी है और ये डी है, ए बी डी हो गया। अब बी ए सी बनाना ना हमें, ये लो बी ए सी। तो बच्चों आपको ना ये अलग अलग बना के नहीं करनी, आपको कोशिश करनी है कि आप इसी फिगर में कर पाएं। ये मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ए बी और सी यही है। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, एक चीज़ तो ये दोनों में आपको कॉमन दिख ही रही है, ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, ये यहाँ दिख रहा है फिगर में ए बी दोनों में है, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी है, ए बी तो दोनों में क्या है कॉमन है, और ए डी और बी सी आपको इक्वल गिवन है, यानी कि ए डी और बी सी क्या है इक्वल है। एक चीज और क्या गिवन आपको, एंगल डी ए बी, डी ए बी मीन्स ये एंगल किसके इक्वल है सी बी ए, इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है। तो देखो बच्चों एक साइड इक्वल, ये साइड भी इक्वल और इनका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल, तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड। यहां से लिखो ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब देखो बी के इक्वल कौन सा एंगल है, ए है, ठीक है। इवन हम इसके अकॉर्डिंग नाम लिखना चाहें तो हम ए बी डी लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि जो हमें प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बी ए डी भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ए बी डी। तो अब ए को जाके देखो ए के इक्वल एंगल कौन सा है, बी है, ये तो हमें गिवन ही है तो बी लिखो। अब इसमें बी के पास जाओ, बी के पास गए, बी से पूछा कि किसके इक्वल, बी कहा, बी ने कहा कि भाई पता नहीं किसके इक्वल हूं मैं, लेकिन बी के जो अपोजिट साइड है फिर उससे पूछेंगे, ए डी के पास गए, ए डी के इक्वल साइड क्या है बी सी है, तो बी सी के अपोजिट एंगल क्या है ए है, तो ए बी ए सी हो गए कॉन्ग्रेंट इससे बाय साइड एंगल साइड से, एग्जाम था ये। अब देखो ये कह रहा है कि प्रूव करो बी डी इज इक्वल टू ए सी, तो देखो यहां से बी डी और यहां से ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी ये हमने किससे कह दिया बाय सी पी सी टी। फिर ये कह रहा है ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी, तो ए बी डी एंगल का मीनिंग आपको बच्चों अच्छे से पता है, ये एंगल बी की बात कर रहा है, और बी ए सी एंगल का पता है आपको अच्छे से, एंगल ए की बात कर रहा है, देख लो चाहे ए बी डी
इस एंगल की बात कर रहे हैं और बी ए सी मीन्स इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहां से उठा लो ए बी डी, तो यहां से पूरा एंगल ऐसे ही उठेगा, जिस ऑर्डर में यहां से उठाए उसी ऑर्डर में यहां से एंगल ए बी डी सेम। ए फर्स्ट लेटर है, बी सेकंड है, थर्ड है, तो यहां से बी ए सी उठेगा। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल बाय सी पी सी टी। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करते ही ये दोनों ऑटोमेटिक प्रूव हो चुके हैं, ठीक है।